एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश और ये व्लॉग ऐसे जंगल में इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि हम लोग आ गए करनाला में और ये रहा एसआरएस व्लॉग्स। हाय गाइस, तो कल से बारिश शुरू हो गई तो हम लोग ने सोचा कि किसी भी ट्रैक पे जाते हैं तो इसीलिए हम लोग पनवेल आ गए। तो आर यू एक्साइटेड नाउ? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, और क्लाइमेट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है तो उसके वजह से कैसे मतलब ट्रैक करने में उतनी ज़्यादा मजा आने वाला है। और ऊपर का व्यू तो बहुत अच्छा है, नीचे से देख लिया था आपने। और आशीष अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया क्योंकि उसके यहाँ पे बहुत बारिश है। आशीष डूब मत जाना बस ये ब्लॉग देखने के लिए रहना। तो आ गए हम लोग कर्नाला के अंदर। तो पहले कहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे फोर्ट है, तो देखते हैं कितना कुछ कवर कर पाएंगे। तो अभी ये ट्रैक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेट हो गया हम लोग को, लेकिन लेट्स सी होप फॉर द वे सब क्लियर कवर हो जाए हम लोग का। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस ट्रैक को, स्टार्ट करते हैं। चलो। तो गाइस अंदर आते ही सबसे पहली चीज जो देखने मिलती है वो है ये बर्ड सेंचुरी, जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स है, पिकॉक से लेके पैरट से लेके कुछ स्मॉल छोटे बर्ड्स भी है। बर्ड सेंचुरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि अंदर रैबिट्स क्या कर रहे हैं। बर्ड सेंचुरी वो भी देखने आए हैं हमारे साथ। मुझे लग रहा है मुंबई में जगह कम है इसलिए तो शेयर कर रहे हैं। एक्साइटमेंट में व्लॉग स्टार्ट किया था और ऊपर क्लाइंबिंग भी चालू किया, लेकिन अभी बहुत थक गए हम लोग। सो ट्रैक जब स्टार्ट किया था तो बहुत इजी था, लेकिन अभी बहुत स्टीप होते जा रहा है। तो हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे, थोड़ा ब्रेक लेंगे और वापस स्टेमिना गेन करके वापस ऊपर चलना चालू करेंगे क्योंकि अभी बहुत ही हार्ड लग रहा है मुझे। तो रुकते हैं थोड़ी देर। बहुत ऊपर तक आ चुका हूँ मैं, यहाँ से शायद ही कुछ दिख रहा होगा, पूरी तरफ फॉग ही फॉग है। इट्स रियली इम्पॉसिबल टू सी व्हाट इज अहेड। और मैंने अपना कैमरा अंदर रख दिया है क्योंकि धीरे धीरे ड्रिजलिंग हो रही है, तो मैं नहीं चाहता मेरा कैमरा खराब हो जाए। तो आगे का ब्लॉग मैं अपने फोन से शूट कर रहा हूँ। सो गाइस जस्ट इस व्यू को देखिए, बस एक नंबर। सो गाइस ये व्यू को देखो जरा, बहुत ही ऑसम है। Thank you.
रहा फोर्ट का एंट्रेंस. फाइनली आई मेड इट गाइस. सरस लोग पीछे ही छूट गए हैं तो मैं जल्दी से ऊपर आ गया क्योंकि थोड़ी देर बाद ये जगह बंद हो जाएगी तो ऊपर एंट्री अलाउड नहीं है. सो आई जस्ट केम डाउन हियर. और ये व्यू, ओह माय गॉड. के बारे में बोलना होगा तो यही कहूँगा कि ये एक वीडियो का ट्रैक है. अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा गाइस, बहुत इंजॉय करोगे. बस टाइमिंग का थोड़ा कैलकुलेशन रखिए क्योंकि 2 बजे के बाद एकदम ऊपर आना अलाउड नहीं है. तो उतना बस कैलकुलेशन करते हुए अगर सुबह जल्दी निकलेंगे तो ऑब्वियसली 2 घंटे में ऊपर पहुँच जाएंगे. बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही इंजॉयबल है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं. तो गाइस एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए. मेरा दोस्त अभी तक पहुँच नहीं पाया, शायद बीच में ही रुक गया होगा. तो अभी तो उससे तो मैं नीचे जाकर ही मिलूँगा. तो अभी हो गया है टाइम तो मैं भी ऐसे नीचे उतरता हूँ. बहुत मज़ा आया आज के व्लॉग में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर दिस वीडियो. और मिलते हैं किसी और व्लॉग में. टिल देन बाय बाय. सो गाइस अपेरेंटली लास्ट मोमेंट पे ऐसे लोग आ गए यहाँ पे. इतना टाइम क्यों लगा? एकदम लास्ट मोमेंट के आ गया है तो अभी जैसे ही वो ऊपर आया हम लोग को अभी नीचे उतरना पड़ रहा है. ठीक है, व्यू देखा कैसा लगा?